हेलो दोस्तों, सुशील टेक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10 है और आपको विंडो 11 इंस्टॉल करनी है, आपका कंप्यूटर बहुत पुराना है और अनसपोर्टेड है, तो उसमें विंडो 11 कैसे अपग्रेड करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे इस कंप्यूटर में क्या एरर आ रही है। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैसेज अपीयर हो रहा है, ये देख रहे हैं, दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट ऑल द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडो 11, गेट द डिटेल एंड सी इफ देयर आर थिंग्स यू कैन डू इन द पीसी हेल्थ चेकअप एप्स। तो मैं पीसी हेल्थ चेकअप पर चला जाता हूँ पहले तो, और मैं ये देखता हूँ कि क्या एरर आ रही है। इसका सॉफ्टवेयर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पीसी हेल्थ चेकअप का जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल किया है तो ये विंडो पीसी हेल्थ चेक की विंडो खुल गई है। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक नाउ का ऑप्शन आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग विंडो 11 के अंदर, तो मैं इसको चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि ये मुझे दो एरर शो करा रहा है। एक तो ये TPM 2.0 मस्ट बी सपोर्टेड एंड इनेबल्ड ऑन दिस पीसी, और दूसरी एरर द प्रोसेसर इज नॉट करेंटली सपोर्टेड फॉर विंडो 11, यानी कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 8th जनरेशन या 7th जनरेशन की है, मगर मेरा 3rd जनरेशन है। तो अब इसको कैसे बाईपास करेंगे और इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विंडो 11 की ISO इमेज डाउनलोड करेंगे विंडो 11 की वेबसाइट से। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड विंडो 11 लिखना है गूगल में, और जो सबसे पहला ऑप्शन आता है www.microsoft.com का, वो भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये पहले ही ऑप्शन आता है जहाँ पर लिखा हो अपग्रेड टू न्यू विंडो 11 OS माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इस पर आपको बस इस पर क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड विंडो 11 का पेज खुल गया है। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, विंडो 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, और डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज। तो आपको डिस्क इमेज डाउनलोड कर लेनी है, सेलेक्ट डाउनलोड में जाके विंडो 11 पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्क इमेज डाउनलोड हो जाएगी, और फिर उसको आपको किसी सी ड्राइव या डी ड्राइव में किसी में भी डाल देना है, एक्सट्रैक्ट करके डाल देना है। उसको डालने के बाद अगला स्टेप, इसको मैं अभी बंद करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, रजिस्ट्री एडिट खोलना है जिसमें हमें एडिटिंग करनी है बाईपास करने के लिए। रजिस्ट्री एडिटर खोल लेना है, रजिस्ट्री एडिटर खोलने के बाद आपको पहले हॉट के लोकल मशीन में जाना है, हॉट के लोकल मशीन के बाद उसके अंदर सिस्टम फोल्डर में जाना है, सिस्टम फोल्डर के बाद सेटअप में जाना है, सेटअप के बाद एमओ सेटअप में जाना है। अब अगर एमओ सेटअप का फोल्डर नहीं है तो आप इसको क्रिएट कर लेना, नहीं तो इसके अंदर सेटअप होगा। अगर एमओ सेटअप का फोल्डर होगा तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एमओ सेटअप पर क्लिक करके अंदर वाइट वाले पोर्शन में राइट क्लिक करना है, एक न्यू डॉट वैल्यू हमें बनानी है 32 बिट की, ठीक है। और उसके अंदर एक हमें कमांड टाइप करनी है, अलाउ अपग्रेड्स विद अनसपोर्टेड TPM और CPU। ये TPM की एरर और CPU की एरर दोनों के लिए ये कमांड है। अब और कुछ नहीं करना आपको, इस पर डबल क्लिक करके इसकी जो हेक्साडेसिमल या डेसिमल वैल्यू 0 है, 0 से आपको इसको 1 कर देना है। 1 करने के बाद ओके कर देना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और नई सेटअप चला देनी है, और आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी बिना किसी एरर के। ये TPM 2.0 की एरर को और अनसपोर्टेड CPU की एरर को बाईपास कर देगा। दूसरा ऑप्शन है या
सीडी या डीवीडी से जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे, जब ये सेटअप आ जाएगा, तो उसके अंदर हमें फिर रजिस्ट्री की एडिटिंग करनी है, मगर उसकी रजिस्ट्री की एडिटिंग थोड़ी अलग टाइप की है, तो मैं वो भी बताता हूँ, उसको भी देखते रहो। ये जब ये देखो विंडो सेटअप का ऑप्शन आ गया है, इस सेटअप के ऑप्शन के अंदर जब हम नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले आपको की प्रेस करनी है, की प्रेस करनी है शिफ्ट के साथ F10, कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट दबाने के साथ ही F10 प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई है, ये डॉस की कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई है। अब हमें इसके अंदर फिर हमें रजिस्ट्री एडिट टाइप करना है, रजिस्ट्री एडिट की कमांड है REGEDIT, ठीक है। अब ये इसके अंदर रजिस्ट्री एडिटिंग खुल गई है। अब सेम जो अपग्रेड के अंदर प्रोसेस था, सेम उसी प्रोसेस से मैं इसमें जाना है, हॉट के लोकल मशीन में जाना है, सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद सेटअप में जाना है। अब सेटअप में जाने के बाद आपको राइट क्लिक करके की जनरेट करनी है, न्यू कीज, और उसका नाम रखना है लैब कॉन्फिग, एल कैपिटल और सी कैपिटल, एल ए बी सी ओ एन एफ आई जी, ये की क्रिएट कर लेनी है, ये वाली की लैब कॉन्फिग की क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। इसको की को क्रिएट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में फिर डॉट वैल्यू क्रिएट करनी है, 32 बिट की डॉट वैल्यू। इसके अंदर आपको जो जो एरर आती है वो सारी बाईपास की क्रिएट करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वैल्यू डालनी है बाईपास TPM चेक, रजिस्ट्री एडिट में हर वर्ड के बाद कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो BYPA बाईपास TPM स्पेस नहीं देना है, CHECK बाईपास TPM चेक, और इसकी राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू कर देनी है 1 और ओके कर देना है। ऐसे ही एक बार फिर राइट क्लिक करके डॉट वैल्यू 32 बिट में डाल के नई वैल्यू डालनी है, बाईपास SECU सिक्योर बूट CHECK बाईपास सिक्योर बूट चेक। ये सब कमांड मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना और डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू भी 1 कर देनी है। बस इतना करना है, रजिस्ट्री एडिटर को बंद कर देना है, इसको भी बंद कर देना है, और इंस्टॉल नाउ पे सेटअप पे शुरू कर देना है, या आपकी सेटअप शुरू हो जाएगी, बाकी सेटअप सब नॉर्मल है। जब हम डॉस से इंस्टॉल करते हैं अनसपोर्टेड में, ज़्यादातर सिक्योर बूट का ऑप्शन है, यानी कि सिक्योर बूट की एरर है और TPM2 की एरर आती है। अब ये की के लिए मांग रहा है, आप गैस की है तो डाल दो, नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की कर दो, और जो भी विंडो है इंस्टॉल करनी है उसको आप इंस्टॉल कर दो। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर दो और न्यू विंडो के लिए आप क्या करेंगे, कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दो, बस अब आपकी सेटअप शुरू हो जाएगी। ये आपकी सेटअप शुरू हो गई है,
और दोस्तों, अगर आपको विंडो 11 की ISO इमेज से DVD या पेन ड्राइव या USB ड्राइव बनानी है तो उसके लिए उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको भी देख सकते हैं, या आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर था रूफूस के नाम से, उससे आप पेन बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और बाकी आपकी सेटअप जैसी वैसी नॉर्मली चलती रहेगी, आपकी सेटअप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसकी जो भी रेजोल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ बने रहें, आप सबका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, वरना किसके लिए बनाऊंगा। तो बाय बाय। आप देख रहे हैं सेटअप तो चल ही रही है और ये हो भी जाएगी। धन्यवाद।